YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने गैंगरेप मामले पर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल से हरियाणा प्रदेश संभल नहीं रहा है, प्रदेश में अब राक्षस राज हो गया है। रेवाड़ी गैंगरेप ही नहीं बल्कि हरियाणा में आए दिन महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जयहिंद ने रेवाड़ी गैंगरेप के सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करने की मांग अब उनके द्वारा की गई है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। प्रदेश में घट रही घिनौनी घटनाओं को देखते हुए अब महिलाओं को आगे आकर हथियार उठाना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश में कानून नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई। मंत्री से अगर ये भी नहीं संभल रहा, कानून व्यवस्था के नाम पे राक्षस राज हो गया है, तो खट्टर साहब को हम अपील कर रहे हैं कि आपको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए महिलाओं के लिए। मतलब एक इशू नहीं है, पिछले सरकार ये सरकार जब से बनी है 5000 महिलाओं की हत्या हो चुकी है, ये रिकॉर्ड है। 8000 महिलाओं के साथ छेड़खानी का रिकॉर्ड है और 11000 किडनैपिंग है, तो ये क्या है? ये कोई कानून है क्या? कोई कानून राज है क्या? तो हमें ऐसा लगता है कि ये हरियाणा में जो कानून है वो भोगता है, वो सिर्फ सब भोगता तो सब पे है, लेकिन वो गरीब आदमी मजबूर आदमी को काट रहा है। क्योंकि जिस तरह से उसने बताया परिवार ने, पुलिस के चक्कर काटे उसने बार बार, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई, धक्के मार मार के भगाया उस लड़की को जो उनके परिवार ने बताया है, और ये उसके साथ हो रहा है। एक मजदूर की लड़की है, गरीब आदमी की लड़की है, तो कट्टर साहब शर्म करनी चाहिए थोड़ी बहुत। अगर हिम्मत है तो उनको 1 महीने के अंदर सजा होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट उन पे स्थापित करो और एक ऐसा उदाहरण पेश करो कि कोई माँ बहन पे हमारी पे इज्जत ना उठा सके। वरना अगर आपके बस की बात नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए, आपके बस की